आप सभी का R9 न्यूज में, मैं हूँ आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं टॉप 10 न्यूज का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, यूपी में एमएलसी चुनाव रिजल्ट पर नड्डा का ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया, सभी नव निर्वाचित सदस्यों को नड्डा ने दी शुभकामनाएं, कहा जीत ने डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी। यूपी विशेष सुरक्षा बल में नए पदों का सृजन, सीएम योगी ने नए पदों के सृजन की अनुमति दी, विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय के गठन के 87 पद, पांच वाहिनियों के लिए 5037 पदों का होगा सृजन, विशेष सुरक्षा बल की 5 वाहिनियों के लिए 5037 पद। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने दिया निर्देश, मीटिंग में शामिल अफसरों को सीएम ने दिए निर्देश, सरकारी कार्यालयों में लंच टाइमिंग पर बोले सीएम, कहा कि लंच टाइमिंग आधे घंटे से ज्यादा ना हो, मुख्यमंत्री कार्यालय को मिल रही थी शिकायतें, घंटों से गायब रहते हैं कर्मचारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट, महंगाई और बेरोजगारी पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा महंगाई बेरोजगारी से जनता का दम निकल रहा है, इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है। रामपुर में घर के बाहर बैठे पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला, पूर्व प्रधान हारून ठेकेदार को मारी गई गोली, बचाव में ठेकेदार के भतीजे को गोली लगने से उसकी हुई मौत, रंजिश के चलते हत्या की आशंका, वारदात को अंजाम देकर हमलावर हुए फरार, रामपुर के थाना टांडा के लालपुर की घटना। कासगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वहीं कोतवाली गंज डुंडवारा क्षेत्र में हुआ हादसा। रामपुर में ओवरटेक करने के चक्कर में बाईपास पर 3 ट्रक आपस में भिड़े, जिसमें 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसमें 1 चालक जिंदा जला, वहीं 1-2 व्यक्ति आग में भी झुलस गए, झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े चोरी की वारदात, सेल्स ऑफिसर की कार का शीशा तोड़कर बैग चोरी, बैग में लैपटॉप जरूरी कागजात सहित 27,000 की नकदी पर, सूचना पर पहुंची पुलिस को पीड़ित ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई, थाना शिकोहाबाद के एटा चौराहा ओवरब्रिज के नीचे हुई घटना। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम हड़पने वाले वांछित को पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, पुलिस आरोपी के खिलाफ जांच कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है, करोड़ों रुपए का गबन कर बाहर जाने की फिराक में था आरोपी। आगरा में थाना इतबादोला पुलिस और SOG के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस टीम को कई दिनों से चकमा देकर फरार चल रहा था मास्टरमाइंड आरोपी, युवती पर जानलेवा हमले में फरार था आरोपी, फिलहाल पुलिस जांच कर कार्रवाई कर रही है।